बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय कार चोर गैंग। बुलंदशहर, पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय कार चोर गैंग। दिल्ली, हरियाणा, नोएडा से कार चोरी कर लाखों की कार को हजारों में बेचने वाले चोर गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चोरी की कार सहित तीन शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मास्टर चाबी से लॉक खोल कर चोरी करते थे शातिर चोर। चोरों पर एक तमंचा, दो चाकू, मास्टर चाबी व अन्य उपकरण बरामद। चोरों ने मास्टर चाबी से लॉक खोलने और कार चालू करने का डेमो भी दिखाया। बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाम के समय थाना खुर्जा नगर की पुलिस नियमित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच एक सूचना मिली मुखबिर द्वारा कि एक गाड़ी जो कहीं से चोरी हुई है उसके साथ कुछ व्यक्तियों का क्षेत्र से गुजरना संभावित है। इस विशेष सूचना पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चला गया। इस चेकिंग के दौरान एक स्थान पर अगवालपट के पास में एक इको गाड़ी संदिग्ध पकड़ी गई, उस पर चेक किया गया। उसमें तीन व्यक्ति सवार थे, उनके पास से शस्त्र भी बरामद हुए और गाड़ी जिस जो उनके पास थी उसके बारे में जानकारी हुई थी वो दिल्ली से चोरी की गाड़ी है, उनको बरामद हुई है। ये तीनों व्यक्ति एक जनपद बदायूं का निवासी है, उसका नाम हम सिंह है, मोनेन्द्र दिल्ली का निवासी है और भूपेंद्र नूह हरियाणा का निवासी है। तो इन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, इनके पास से अवैध शस्त्र बरामद किए गए और चोरी का वाहन बरामद किया गया। तदनुसार अभियोग पंजीकृत करते हुए उनको जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। हुकुम सिंह, हुकुम सिंह कहाँ का रहने वाला है? बदायूं, बदायूं। कितनी गाड़ी चुरा चुके हो अब तक? कहाँ ज्यादा तरह चोरी करते थे? 10-15 गाड़ी चुरा ली दिल्ली। कहाँ बेचते थे? बहजोई। अच्छा, तो कितने में बेच देते थे गाड़ी ज्यादा तरह? 10-15 हजार में। बस बस सर। कैसे पकड़े गए अब सर? पकड़े कैसे गए सर? मैं सो रहा था, दूसरा लड़का चला रहा था। अच्छा, तो कहाँ से चुराई थी ये गाड़ी? दिल्ली से सर। गैंग में कितने लोग आप? कितने लोग आप गैंग में? तीन है सर। तीन लोगों? जी सर। कैसे कैसे चाबी बनवाई, कहाँ से चाबी आई आपकी? चाबी जिसने उसी समय लेकर आया था, जिसने जो खान नाम का है उसने दी थी सर। मास्टर चाबी है?